राजस्थान में कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है। नए साल का पहला महीना जनवरी कोरोना के लिहाज से काफी राहत भरा रहा है। जनवरी के 31 दिनों में प्रदेश में कोरोना के 9238 नए केसेस सामने आए। वहीं पर राज्य के 33 में से दो ऐसे जिले हैं जो कोरोना से पूरी तरह से फ्री हो गए हैं। इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना समीक्षा बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए 8 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। वहीं स्नातक प्रथम द्वितीय के साथ ही स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए भी 8 फरवरी से कॉलेज खुल सकेंगे। इसके अलावा सभी सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल आदि भी खुलेंगे, लेकिन सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल किस तारीख से खुलेंगे ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। इसके अलावा सामाजिक और अन्य आयोजनों में 200 लोगों तक उपस्थिति की छूट होगी। आपको बता दें कि स्कूलों की कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की तरह ही कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए भी 50% उपस्थिति और इसी के साथ ही हेल्थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करने की शर्तों के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार कॉलेजों के लिए भी अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं के संबंध में पहले की तरह लागू 50% उपस्थिति सहित अन्य शर्तें प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी लागू होंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक मेलों के लिए नई एसओपी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। शादी विवाह समारोह के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए जिला कलेक्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। वहीं अब ऐसे आयोजनों में 100 की जगह 200 व्यक्तियों की मौजूदगी रह सकेगी। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।